हे टेक लवर्स, आपका स्वागत है मोबाइल फंडा के एक और नए थीम के साथ, जहां आज की थीम उन यूजर्स के लिए होने वाली है जिन्हें ज्यादा कस्टमाइजेशन करना अच्छा नहीं लगता है, तो वो इस थीम को ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये थीम जरूर पसंद आएगी। मगर उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपसे हमारी आने वाली वीडियोस मिस ना हो। वैसे दोस्तों, अगर आपके फ़ोन पे HyperOS 2.0 की अपडेट आ चुकी है तो ऊपर कार्ड पे HyperOS 2.0 के कुछ ऐप्स की अपडेट वर्जन की वीडियो मिलेगी, उसे चेकआउट ज़रूर करें। तो अब आते हैं इस थीम के ऊपर, जहां इस थीम के लेआउट्स कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं लॉक स्क्रीन की। तो वह हमें कुछ इस लेआउट में देखने को मिलेगी, जहां पे क्लॉक की विजिट को मैंने यहां पे रेड प्लस व्हाइट कलर पे रखा है, ताकि यह अपने बैकग्राउंड के साथ मैच हो सके। वहीं इस लॉक स्क्रीन को अप्लाई करने के लिए आपको अपने स्टॉक लॉक स्क्रीन पे जाना है, फिर इस लेआउट को सेलेक्ट करें, फिर कस्टमाइज पे टैप करके वॉलपेपर को अप्लाई करना है। अब बारी है क्लॉक के कलर की, तो उसके लिए फंड इफेक्ट को टैप करके कलर को अप्लाई कर लेना है। बाकी अगर आपको कलर मैच करने में दिक्कत हो तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं होम स्क्रीन के तरफ, तो वह हमें कुछ इस लेआउट में देखने को मिलेगा, जहां पे टॉप पे एक बड़ी सी क्लॉक की विजिट भी देखने को मिलती है, जिस पे हमें एक ग्रीटिंग, टाइम, डे, डेट और बैटरी स्टेटस देखने को मिलेंगी। वैसे इसे अप्लाई कैसे करनी है वो आपको आगे पता चलेगा। वहीं बात करें इस थीम के आइकन्स की, तो वह हमें कुछ इस डिज़ाइन में देखने को मिलेंगे, और ये मेरी करंट फेवरेट है, जिसे मैं आगे भी यूज़ करने वाला हूँ। नेक्स्ट चलते हैं इस थीम के स्टेटस बार के तरफ, यानी के कंट्रोल सेंटर और वॉल्यूम कंट्रोल लेआउट के तरफ, तो वह हमें कुछ इस लेआउट में देखने को मिलेंगे, जिसमें हमें व्हाइट बैकग्राउंड के साथ कलर्ड आइकन्स देखने को मिलेंगे, और ये भी मेरी करंट फेवरेट है अगर मैं पिछले कुछ थीमों की बात करूँ। वहीं सेटिंग मेनू के तरफ आए तो वह हमें एज इट इज ही देखने को मिलेगी, जैसे कि हमें स्टॉक थीम में देखने को मिलती है। बट जो सेटिंग्स के हेडर हैं, उस पे हमें ग्रीन इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बात करें होम स्क्रीन के क्लॉक विजिट की, तो उसे अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे एक 2x2 KWGT विजिट को अप्लाई करना है, फिर उसे कुछ ऐसा एनलार्ज करें, उसके बाद टैप करके HyperOS KWGT के विजिट Hyper 004 को सेलेक्ट करके सेव कर देना है, तो आपका यहाँ पे यह क्लॉक विजिट अप्लाई हो जाएगा। बाकी आपको इन थीम्स की लिंक नीचे कमेंट्स में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके अप्लाई कर लेना। तो फिर ये थी आज की HyperOS 2.0 की कस्टमाइज थीम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थीम अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।